दोस्तों आईपीएल 2023 के लिए अब धीरे धीरे सभी टीमों में माहौल बनने लगा है। रविंद्र जडेजा को लेकर अभी पिछले एक दो दिनों से खबरें आ ही रही थी कि अब ऐसे में केकेआर की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों केकेआर ने अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ब्रेंडन मैकुलम के पद छोड़ने के बाद केकेआर को नए हेड कोच की तलाश थी और अब आखिरकार उनकी ये तलाश पूरी हो गई है। केकेआर ने एक भारतीय खिलाड़ी को टीम का हेड कोच बनाया है। आखिर कौन है कोलकाता नाइट राइडर्स का नया हेड कोच और क्यों केकेआर ने उन्हें ही हेड कोच बनाया है आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने चंद्रकांत पंडित को अपना नया हेड कोच बनाया है। चंद्रकांत पंडित कई डोमेस्टिक टीमों को कोचिंग दे चुके हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में चंद्रकांत ने मध्य प्रदेश को पहली बार खिताब जितवाया है। चंद्रकांत पंडित ने कोच के तौर पर 6 बार रणजी ट्रॉफी खिताब जितवाया है। वो मुंबई को 3 बार तो विदर्भ को 2 बार और पहली बार मध्य प्रदेश को चैंपियन बनाया है। केकेआर का हेड कोच बनने के बाद चंद्रकांत ने कहा कि मैं काफ़ी सम्मानित और गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे केकेआर की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं सभी खिलाड़ियों के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं और मैं इस अवसर के लिए तैयार हूं और उम्मीद करता हूं कि अच्छा करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।